brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. पहले तो एक मिथक तोड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा संजीव बालियान के लिए, क्योंकि अब तक जितनी बार भी दो बार के विधायक सांसद रहे हैं वो तीसरी बार रिपीट नहीं हुआ है। इससे पहले सुमति प्रसाद की जैन की बात करें या फिर यशवीर ये बालियान जो थे वो दो बार यहाँ सांसद रहे लेकिन तीसरी बार वो बन नहीं पाए। स्थिति है वे मुजफ्फरनगर लोकसभा में त्रिकोणीय चुनाव और इस चुनाव में जातिगत जो आंकड़ा है उसको भी लोग ध्यान में रखते हैं। तो पहली बात ये है कि भाजपा के लिए चुनाव आसान नहीं है। तो मिथक कहें या इतिहास कहें, इतिहास दोहराता भी है और मिथक टूटते भी हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हैट्रिक नहीं लगा पाएगा। हैट्रिक लगती भी हैं और योगी जी के बारे में कहा जाता था कि बिजनौर ना जाएं मुख्यमंत्री रहते हुए, नोएडा ना जाएं वरना तो कुर्सी छिन जाती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट फेज में होने वाले लोकसभा चुनाव का नामांकन पूरा हो चुका है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अब चुनाव होना है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन लोगों से, आखिरकार जब नामांकन हो चुका है और प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं हर पार्टी के, अब क्या लगता है इनको कि क्या समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और क्या हो सकता है अब आने वाले चुनाव में? जी क्या नाम है आपका? आशीष यादव। अच्छी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्या लग रहा है कि नामांकन हो चुके हैं, प्रत्याशी जो है वो क्लियर हो चुके हैं, क्या लगता है कि चुनाव का माहौल क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव को देखते हुए तो लगता है कि यहाँ जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी में दोनों में टक्कर आमने सामने की है, क्योंकि जैसे कि बसपा प्रजापति समाज से आया है और एक तरफ दलित का भी बहुत धड़ा बहुत बड़ा है और प्रजापति है, उसको लेकर करीब 3-3.5 लाख वोट दोनों की होती है। अगर उसको प्रभावित कर पाया तो भाजपा के लिए इतनी आसान रहा नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मोदी का जलवा है देश में, एक अलग ही थीम है, 400 के पार की थीम चली, तो उसको देखते हुए हो भी सकता है कि भाजपा बहुत आसानी से निकल जाए, लेकिन डगर इतनी आसान भी नहीं। यानी कहें कि जो बसपा प्रत्याशी मैदान में आया प्रजापति, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खेल बिगाड़ा है बीजेपी का, डेंट तो दे रहे हैं। कार्यकाल की हम बात करें, यहाँ के जो सांसद हैं दो बार पहले भी रह चुके हैं, क्या लग रहा है कि किसी तरीके का उन्होंने काम किया है जो जनता उनसे आकर्षित और वोट भी करे? कार्यकाल की जहाँ बात करें 10 साल में जनता तो बड़ी संतुष्ट है और देखा जाए तो उन्होंने जनता से मिला भी है, और मेरे ख्याल से आस पास के इलाकों में पहले सांसद ये ऐसे होंगे जो गाँव गाँव तक पहुँचे हुए हैं, हर गाँव में, ऐसा नहीं है कि किसी गांव में इनके नाम का कोई समान मतलब कोई स्कूल हो या कोई हो, कोई सड़क हो ना बनी हो, काम तो बहुत किए हैं। काम किया है। आपका क्या नाम है? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से अब नामांकन हो चुका है, प्रत्याशी भी क्लियर हो चुका है हर पार्टी का, क्या लग रहा है कि अब समीकरण क्या बैठ रहा है? देखिए, जिस तरह से जो कैंडिडेट्स की घोषणा हुई है, पहले कहीं ना कहीं चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहा था कि गठबंधन और भाजपा के बीच में होगा, लेकिन जिस तरह से बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है उसके बाद भाजपा की जो राह है वो थोड़ी मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो कैंडिडेट है दारा सिंह प्रजापति, प्रजापति समाज से आते हैं और प्रजापति समाज जो है वो पैक वोटर रहा है एक तरह से बीजेपी का, शुरू से भाजपा को वोट करता हुआ है, ऐसे में बसपा से उनके पास सिंबल है दलित वोट, बसपा का पैक वोटर रहा है, तो अगर दारा सिंह प्रजापति इन्हें अगर अपने फेवर में लाने में कामयाब रहे तो भाजपा की डगर तो मुश्किल होनी होनी है। लेकिन अगर चुनाव की बात करें मुजफ्फरनगर में, तो चुनाव जो है वो बीजेपी और गठबंधन के बीच में दिखाई दे रहा है। बीजेपी और गठबंधन के बीच दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, आपको क्या लग रहा है कि गठबंधन जो सपा गठबंधन है उसके और बीजेपी की अगर यहाँ जो देखीजिए स्थिति, क्या स्थिति लग रही है आपको दोनों को देखिए? देखिए, सबसे पहले तो एक मिथक तोड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा संजीव बालियान के लिए, क्योंकि अब तक जितनी बार भी दो बार के विधायक सांसद रहे हैं वो तीसरी बार रिपीट नहीं हुआ है। इससे पहले सुमति प्रसाद की जैन की बात करें या फिर यशवीर ये बालियान जो थे वो दो बार यहाँ सांसद रहे लेकिन तीसरी बार वो बन नहीं पाए, तो ये मिथक अगर ये तोड़ पाए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, इनके सामने अपनों से जो नाराज़गियाँ थी, जो अपने नेता इनसे नाराज़ हैं उनको मनाने की एक जो चुनौती है वो दूसरी इनके सामने खड़ी है। बसपा ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारा वो क्या किस तरीके का कोई खेल बिगाड़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिगाड़ेगा, क्योंकि प्रजापति समाज नाराज़ है, उसके साथ ही बसपा का खुद एक वोट बैंक है, उस पर भी इन्हें, क्योंकि वो हिलता नहीं है, जब हाथी देख लेता तो हाथी की चाल के हिसाब से उसका जो प्रत्याशी उसके वोटर्स हैं वो उनके साथ चलता है, तो प्रत्याशी जो है जो प्रजापति है, प्रजापति प्लस दलित और मुस्लिम अगर इनके साथ आ जाता है तो ये हरिंदर मलिक को भी नुकसान पहुंचाएगा और संजीव बालियान को भी नुकसान पहुंचाएगा। ये कहें कि डगर आसान नहीं है बीजेपी की? बिल्कुल डगर आसान नहीं है, क्योंकि त्यागी समाज भी ब्राह्मण समाज को लेकर नाराजगी में है, तो ये रास्ता जो है संजीव बालियान का अभी आसान दिखता हुआ नहीं नजर आता है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? दिवाकर झा।
जहाँ साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ पर आपको क्या स्थिति दिखाई दे रही है फिलहाल की? क्योंकि कैंडिडेट अब क्लियर हैं हर पार्टी के, नामांकन हो चुका, फर्स्ट फेज में चुनाव होने वाला है, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस समय जो स्थिति है वे मुजफ्फरनगर लोकसभा में त्रिकोणीय चुनाव है और इस चुनाव में जातिगत जो आंकड़ा है उसको भी लोग ध्यान में रखते हैं। तो पहली बात यह है कि भाजपा के लिए चुनाव आसान नहीं है, उनको चुनाव जीतने के लिए जूझना होगा। उनके सामने एक मजबूत कैंडिडेट सपा से हैं जिनके पास राजनीतिक अनुभव है। बसपा ने यहाँ पर प्रजापति समाज को प्रतिनिधि के रूप में दारा सिंह को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है, तो दलित और प्रजापति समाज जो दलित वोट बैंक है बसपा का, वे उनके पक्ष में हैं और ओबीसी वोट का बिखराव देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। अगर काम की बात करें, जो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी हैं, दो बार सांसद रहे हैं, उनके काम को अगर देखा जाए तो क्या जनता किसी तरह का काम को देख करके पसंद करेगी? देखिए, मतदाता की सोच बदल चुकी है, स्वाभाविक तौर पे विकास की बात, सुरक्षा की बात सामने आती है जो सबको पसंद भी है। अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जाएंगे, ठीक उसी तरह मतदाता के भी जो है मन बदलते हैं। तो अभी कुछ ये नहीं कह सकते कि विकास के नाम पे ही वोट मिलेगा या जातीय पे आधारित वोट मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर चुनाव त्रिकोणीय है। और दूसरी बात ये भी एक इतिहास यहाँ का 72 सालों में कि लगातार कोई यहाँ पर तीसरी बार जो है सांसद नहीं चुने गए हैं, तो वे भी हैट्रिक लगाने की भी एक चुनौती है भाजपा प्रत्याशी के सामने। चुनौती है। आनंद जी, आपको क्या लग रहा है समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो? अभी बताया झा साहब ने कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि यहाँ पर आज तक नहीं हुआ है, क्या लग रहा है आपको? देखो, मिथक कहें या इतिहास कहें, इतिहास दोहराता भी है और मिथक टूटते भी हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हैट्रिक नहीं लगा पाएगा। हैट्रिक लगती भी हैं और योगी जी के बारे में कहा जाता था कि बिजनौर ना जाएं मुख्यमंत्री रहते हुए, नोएडा ना जाएं वरना तो कुर्सी छिन जाती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, वो बदलाव का दौर है और मैं मानता हूँ आज मुजफ्फरनगर में त्रिकोणीय मुकाबला भी नहीं है, सीधा आमने सामने का दो ही प्रत्याशियों में मुकाबला मेरी समझ में आ रहा है। कि बसपा किसी तरह का कोई नुकसान दोनों पार्टियों में किसी को दे सकती है? बहुत कम नुकसान होगा। जो नेता बोल रहे हैं वो अपनी बात होती है, पब्लिक में अंडर करंट क्या चल रहा है वो पब्लिक जानती है। पब्लिक में आप देखेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सबसे बड़ा इशू मुजफ्फरनगर का होता था, आज उस पर बहुत काम हुआ है। हर आदमी इस बात को कहता है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, क्राइम नहीं हो रहा है पहले जैसा, सुरक्षित माहौल है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भाजपा को मिलता है। सब गठबंधन, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, कांग्रेस राहुल गांधी ने अपनी यात्रा पैदल यात्रा भी निकाली थी, इसका कुछ प्रभाव इस तरह की तरफ? पैदल यात्रा वेस्ट यूपी का, खासकर मुजफ्फरनगर जिला, इस पर कोई प्रभाव राहुल गांधी की पैदल यात्रा का नहीं होता है। तो क्या लग रहा है कि अब हाल फिलहाल में फाइनली फर्स्ट फेज में चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है कि आपने कहा कि सिर्फ दो ही दो पार्टी के अंदर चुनाव है, सपा गठबंधन और आपका बीजेपी, पलटा किसका भारी लग रहा है? भारी और हल्के की बात तो देखो थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि हम निर्णायक कोई भी मतलब बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वोटर का मन का कुछ नहीं पता होता है कि वोटर किधर जाएगा बड़ी संख्या में। लेकिन मोटी मोटी जाति के आधार पर जब लोग देखते हैं तो उसमें गिन लेते हैं कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं इस सीट पर, दलित उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं, फिर उसके बाद जाट मतदाता हैं। जाट मतदाता रालोद के साथ उसकी परंपरागत वोटर के रूप में जाने जाते हैं, एससी वोटर जो हैं वो बसपा का वोटर माने जाते हैं। तो अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है, लेकिन इस सब कैलकुलेशन के बावजूद जब हम करीब आज इस लोकसभा क्षेत्र में 18,10,000 वोट हैं, तो उसमें से हम 10,00,000 वोट निकाल देते हैं तीन बड़ी जातियों के, 6,00,000 मुस्लिम निकाल देते हैं, 2,50,000 एससी निकाल देते हैं, 1,50,000 मिला करके ठाकुर और उनको निकाल देते हैं प्रजापति को, तो ये तकरीबन 10,00,000 वोट होते हैं, लेकिन बाकी 8,00,000 वोट भी तो बचता है, वो किसका है? तो उस वोट को समझना लोगों के लिए बहुत टेढ़ी खीर है कि वो जो 8,00,000 वोटर है वो भी तो जाएगा ना, तो वो कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भाजपा को मिलता है। अच्छा, भाजपा को फ़ायदा मिलेगा, आप कह रहे हैं कि कुछ बिरादरियां हैं जैसे त्यागी बिरादरी में खासतौर से नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कि इस तरह का कोई नुकसान वगैरह होगा या लास्ट टाइम पर आकर के फिर बीजेपी की तरफ की त्यागी? ये बहुत बड़ा चुनाव है, छोटे चुनाव में जैसे वार्ड मेंबरी का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, वहाँ पर 10 वोटों की भी वैल्यू होती है,
5 वोटों की भी वैल्यू होती है, लेकिन इसमें 5000 वोट की भी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो पैसा भी खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, 5000 वोट वो ले जाते हैं। और जितने भी नेता हैं और जो समाज का खुद को अपना आप नेता मानते हैं, मैं मानता हूँ कि वो उसको उतनी तरह से पूरी एक जाति को, पूरी एक कम्युनिटी को एक तरफ वो कहीं नहीं घुमा सकते, कोई भी नहीं घुमा सकता। आपका विश्लेषण क्या बता रहा है कि ये 2024 का चुनाव 2014 की तरह होगा, जिस तरह बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान कह रहे हैं, या फिर 2019 की तरह होगा? 2019 की तरह चुनाव होगा, 2009 की तरह चुनाव होगा, 2014 की तरह मुझे नहीं लग रहा। अंतराल बहुत कम होने वाला है। यस यस, जो मुकाबला होगा वो बड़ा नज़दीकी होगा, अच्छा मुकाबला होगा और परिणाम चौंकाने वाले होंगे। तो सुना आपने, जो परिणाम होंगे वे चौंकाने वाले होंगे, बहुत ही कांटे की टक्कर यहाँ पर होने वाली है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर। लेकिन देखना होगा कि फर्स्ट फेज के चुनाव में आखिरकार पलड़ा किसका भारी रहता है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।